तो ये रहा वाटर वेलून और ये रहा जेसी। तो इनके जो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी हालत हुई है, फॉग ही फॉग है अब। और ये 80 लाख का प्रोजेक्ट है, 80 लाख, हाँ 80 लाख का प्रोजेक्ट था। जो मिनिमम 5% आदमी होना चाहिए, फिर ये वोट छूटता है ऐसे। अच्छा, चार चिनार था। सनसेट प्लाजा है ना, ये मनोज सिन्हा के द्वारा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा, सनसेट के सामने ही, सामने इधर अपने सनसेट के साथ में ही ये चीज। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज हम जाने वाले हैं कहीं डैड के, कहीं ऑफिस का काम है, थोड़े डैड के ऑफिस भी जाना हमने, और साथ में हम जाते हैं स्मार्ट सिटी दर्शन करने। मतलब आपको बताना यार, चलो यार निकलते हैं फिर स्मार्ट सिटी। और बहुत सारे फीचर्स आए नए नए, जो मतलब पहले तो नहीं था, अब थोड़ा अपडेट हुआ है। और जो उधर सनसेट व्यू है वो आपको क्या ही बताऊँ मैं यार, लाजवाब है। तो निकलते हैं उधर, ठीक है, आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता देंगे हम। सो गाइस, ये रहा घाट नंबर 9, जिस पर आप लोग न्यूज़ पर देखा होगा, जहाँ पर जो हाउस बोट थी तो फायर में जल गई थी, जो 3 हाउस बोट थी इसी के पीछे जली थी। तो ये न्यूज़ में भी आया था। तो ये घाट नंबर 10 है, इसके बीच में हुआ था ये मतलब जो भी हादसा हुआ था, जिसमें 3 टूरिस्ट की डेथ हो गई थी। तो डल आपको बताने आया था मैं इधर, तो आप इधर आप दिख रही ना, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसी हालत हुई है, फॉग ही फॉग है। आप डल तट नज़ारा देख लो यार, सारा का सारा गायब हो गया डल सामने वाली, मतलब इतनी ज़्यादा फॉग है। यही होता है इस विंटर्स में, विंटर्स में कुछ पता नहीं चलता क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, दिखाई नहीं देता यार, इतने दूर दूर का फॉग होती है। निकलते हैं आगे, जहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने वाली है, मतलब स्मार्ट डल बनने वाला, वो बताते हैं आपको, ठीक है। तो फाइनली गाइस, मैं डल लेक में हूँ। डल लेक में देख लो यार, फॉग कितनी है, कितनी मतलब सर्दी है। तो इस टाइम तो इधर कोई होने वाला नहीं है, और अगर हो गई तो क्या पता, ठीक है, तो अच्छी बात है, मतलब टूरिस्ट मिल गया तो पूछ लेंगे रिव्यू के बारे। अभी बस यही है जो डल में रहते हैं, अभी जिनका मतलब जॉब होती है। अभी हम जाते हैं, जो आपको अच्छी सी चीज़ बताने वाले हैं, जो मतलब सनसेट व्यू है वो आपको बताने वाले हैं, जो पूरा पूरा डेवलप हुआ है। तो चलो चलते हैं उधर। तो देख लो किस तरह से इधर बेंचेस बने हुए हैं, और साथ में ये फूल, तो इसकी मतलब कहने की बात ही कुछ अलग है, और इतना खूबसूरत बना हुआ है ना, क्या बताऊँ। हर जगह आप मतलब बैठ सकते हो, सिटिंग कर सकते हो, जो टूरिस्ट आते हैं वो जो चल चलते थक जाते हैं, वो आराम से इधर बैठ सकते हैं लाइक दिस, जैसे मैं इस टाइम बैठा हूँ, ठीक है। और जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी कश्मीर पर नहीं जाएंगी, तो नई चीज़ें बतानी चाहिए यार आपको, हम मतलब हाफ को देखनी चाहिए, हमें बतानी चाहिए। तो इस साथ में ये रहा अपना गवर्नर, तो आपको उस स्टेटिस्ट को पढ़ लेना है, ये 16 नवंबर को मतलब ये हुआ था। जो ये सनसेट प्लाजा है ना, ये मनोज सिन्हा के द्वारा, मनोज सिन्हा जी के द्वारा बनाया गया है, मतलब उनके ज़रा ये हुआ था, रेनोवेट हुआ था। साथ में ये तो फूल वूल सजाए गए हैं, मतलब इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो जब हम कहीं कहीं बिजी और थे बताने में, जो चीज़ें बताने में बिजी, दिखाने में आपको बिजी थे, तो इधर हम आ नहीं पाए, उसलिए सॉरी यार। तो कोई बात नहीं, अभी तो आपको बता रहे, तो देखो ये प्रोजेक्ट है, और ये 80 लाख का प्रोजेक्ट है, 80 लाख, हाँ 80 लाख का प्रोजेक्ट था, जो इधर डल में बना हुआ है। तो देख लो आप यार, इतना अच्छा बना हुआ है, मतलब बेहतरीन बना हुआ है। जब समर्स में ऐसे ही टूरिस्ट वूरिस्ट आएंगे, तो इधर अलग ही अपनी मतलब पहचान होगी, इधर चलने फिरने का मज़ा ही कुछ और होगा, क्या ही बताएं आपको। एक चीज़ इधर बनी है, साथ में आपको डाल के नज़ारे देख लो, वो रहा चिनार का पेड़, जहाँ पर आपको ले भी गया था मैं पिछली दफ़ा चिनार। तो इस टाइम वो थोड़ा थोड़ा ही दिखाई दे रहा होगा, तो वीडियो में पता नहीं दिखाई दे रहा होगा नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर मुझे आंखों से अभी दिखाई दे रहा है, पर इतना नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इधर फॉग बहुत ज़्यादा है, इसलिए बीच बीच में हो जाता है यार, ऐसे फॉग होते रहते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये अभी टाइलेंट का काम चल रहा है, देख सकते हैं आप, काम बेहतरीन हो रहा है, मतलब स्लो भी हो रहा है, विंटर्स है, जिस हिसाब से उनकी स्पीड है अच्छी स्पीड है। जो पहले ऐसा सीन था, ऐसा कुछ सीन नहीं था, अब बहुत अच्छा सीन आया है यार। अब आप देख सकते हो जो टाइलेंट कैसे अच्छे से हो रही है, मतलब ये साइकिलिंग के लिए, जो ये वाला होगा ये पैदल के लिए होगा, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये रहा अपना जेसी पॉइंट, जहाँ पर आप वाटर हाइक कर सकते हो, वाटर सब कुछ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। साथ में ये चीज़ देख लो यार, वाटर बैलून की तो बात क्या लगे, देख लो। तो ये रहा आपका मतलब जो रेट है फ्रॉम अप्रैल टू
जो इस अप्रैल में, ठीक है, उधर सारे मोटर बाइक है, उसकी मोटर बोट की है, जितनी भी है सारी की सारी इन्होंने रेटिंग बताई हुई, कितनी रेट है कितनी रेट नहीं है। जैसे क्या आपको कैसे मैं बताऊँ, पार्टनिंग बोट मतलब जो वन पर्सन के लिए, पर पर्सन के लिए 90 रुपीज़ चार्ज करते हैं, वो भी लाइफ जैकेट के साथ, ठीक है। तो जितने जितने आपने विद ऑल फैसिलिटीज मतलब पूरा दिन अगर रहना है तो 14,000, पूरा दिन अगर आपको वाटर्स में रहना है तो 14,000 कॉस्ट करेंगे सारा। तो अच्छी है, मतलब ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, बराबर रेट है। तो देख लो यार, तो ये रहा वाटर बैलून और ये रहा जेसी की। तो इनकी अगर आपको प्राइस जाननी है तो मैं अभी आपको बोट पर जा रहा हूँ मैं, तो हमारा जो भाई है जो इधर काम करता है वो आपको बताएगा सारी डिटेल्स। तो भाई पहले आपको हेलो, हमारी तरफ से। और आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल शाहीन। अब्दुल शाहीन। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी प्राइस कितनी और कितनी रेंज है? बोट का प्राइस चाहिए कि आपको टिकट का प्राइस चाहिए? मैं टिकट का प्राइस जो भी है, टिकट प्राइस 200 रुपीज़ क्रूज। 200 रुपीज़ क्रूज, मिनिमम 5% आदमी होना चाहिए फिर ये बोट छूटता है ऐसे। अच्छा, मिनिमम चार्ज ना जाता है। अच्छा, किसने वो तुमने जेस्की करनी हो? जेस्की करो आप, फुल राइड हाफ राइड होता है डाल के, बहुत सारा राइड है, वही सब से हम रेट बताते हैं सब रेट। हाँ जी जी। तो अरे ये करना हो छोटा सा तो इसके लिए 100 रुपीज़। कितना? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ पर पर्सन? हाँ, पर 10 मिनट। 10 मिनट्स तो करते हैं, क्या सोचते हैं करें? करते आप करना है कर लीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ ये चीज़, मैं कर लेता हूँ। तो ठीक है, फाइनली अब मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो अंदर जाके भाई हमें अंदर जाने वाला है, आइए आप। पहले मैं फ़ोन दे देता हूँ ना, वीडियो मेरी वीडियो बना लेना। शू अपना सोने का भी निकालना है? हाँ, शू क्लिप अलाउ नहीं इसके अंदर। कोई बात नहीं, निकाल दिया मेरा, मैंने वैसे ही निकाल दिया था। इरफान भाई पकड़ो इधर, मैं इनको वीडियो निकालता हूं। नहीं आप निकाल दो, नहीं तो चलो यार। ओ यार ये क्या हुआ? ये सारा मैंने तो चला गया, इधर से बंद कर दिया आपने। अब मैं ऐसे दौड़ू नहीं। ओ यार ये क्या हो रहा है? अरे जा ही नहीं रहा। देख लो यार। ओ यार जा जा जा। ओ यार अब किनारे पे नहीं जाना, कोई किनारे पे नहीं जाना। गाइस कैमरा देखो, टू 100 रुपीज़ का 10 मिनट है, पर मैं इतना ही गिरूंगा, ठीक है, हालत खराब हो जाती है। ओ यार पानी में चला नहीं रहता, ये बात ही आप समझ आई। चलो हम निकलते हैं उधर, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वाह गुड, अंदर रहो आप, अंदर रहो। ये ऑलमोस्ट अगर 16 पाइल हो गए, 16 जो अगर 8 की करी वाला कॉन्फ्रेंस चलेगा। हेलो हेलो, कुछ भी दिखी ना, बी केयरफुल। तो भाई खींच रहा है, देख सकते हो किस तरह। तो अभी मैं चलता हूँ बाहर, तो बाहर में पहुंच रहा हूँ। हेलो, तो इधर से आता है, ये डूब ना जाए बस। हेलो यार, बहुत एंजॉय किया मैंने। भाई हमारी वीडियो बना रहा था। वीडियो से डरता है? वीडियो से डरता नहीं। तो हम निकलने वाले, तो फ्रंट भाई ने भी हमारा बहुत हेल्प की इधर, तो निकलते हैं आज इधर। तो चलो, तो देख लो यार किस तरह से सनसेट के सामने ही सामने से आना है इधर आपने, सनसेट के साथ में ही ये चीज़ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और अभी तो हम निकलने वाले हैं इधर जम्मू की ओर। तो कल आपको आया जम्मू का ब्लॉग, मामू ने अभी फ़ोन किया बोला मेरे साथ जम्मू आ जा,
तो मैं इधर घूमने आया था तो निकलना पड़ेगा मुझे सही था जम्मू यार। बताऊँ क्या हुआ एक्चुअली, मैं उस पर राइड कर रहा था ना, दौड़ते उड़ते थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो सांस फूल रही है मेरी। ओह क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा फूल रही है ना, हालत ख़राब हो गई है मेरी। गाड़ी वाले मार नहीं रहे ना, निकल गया मैं। तो यार डाइस अभी तो हम डल में, तो डल था व्यू एंड डल को हम डरते हैं बाय बाय दो दिन के लिए या तीन दिन के लिए। हम आ रहे हैं जम्मू आपके पास, तो जम्मू टा सिटी देखना है तो लाइक करना यार, क्योंकि जम्मू में भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुई है, जैसे अफसर रोड वो आपको बताएंगे, इतनी अफसर रोड इतना अच्छा बनाना है क्या बताऊँ मैं आपको। तो यार मैं गाड़ी चेंज कर दी है, ये वाली गाड़ी मैं जम्मू लेके जा रहा हूँ, तो सीधा डायरेक्ट जम्मू में मिलते हैं, रास्ते में कुछ वो बताने लायक तो बता दूंगा ठीक है। चलो एयरपोर्ट रोड पर देख लो आप किस तरह से बना हुआ है, ये मतलब इमरजेंसी के लिए है, और किसी प्लेन ने नीचे तो ना हो। वाह सो गाइस बताऊँ ट्रैफिक को ना बताता हूँ किस लिए हो रहा है, ड्राइव सेफ करनी चाहिए और स्लो करनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी चाहिए, सत्ते है ट्रक किधर अंदर हुआ है पूरा अटैच, जोर से बज रहा है इधर ये वाला, खत्म हुआ है ट्रक मेरे यहाँ, ड्राइवर से होना चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। ओ यार इसलिए वो स्पीडिंग कभी भी मत करो, वो स्पीडिंग करनी हुई वो स्पीड करना हुआ माँ बाप। न्यू हाईवे देख सकते हैं आप जो बना हुआ है रामबन में, और ये है फ्लाईओवर, तो देख रहे कितना मजेदार रोड है, पहले हम बाजार में से जाते थे, बाजार कट हो गया पूरा रास्ता, अब तो सिर्फ कहीं से नहीं जाना, हमें सीधा निकलना है, तो ये बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे स्मार्ट सिटी बनती रहे, स्मार्ट रामबन। अभी तो हमें पी रहे होटल में, वही रहा होटल, तो एमरजेंसी में जम्मू तो जाना पड़ा यार। ये रहा कुछ व्यू जो भी रात होने वाली है, तो कुछ खाते पीते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे ठीक है। चाय वाय पीते हैं साथ में खाते हैं, फिर सीधे जम्मू के लिए निकलते हैं हम, इधर चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है। सो गाइस निकलते हैं इधर से, अंधेरे में आपको दिखाई देगा ना मुझे, तो निकलते हैं सीधा घाट की ओर।